तो यार ऐसे HDR से या 4K वीडियो कैसे बना सकते हो आप अपने मोबाइल से, बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो आप अपने मोबाइल से। जी हाँ, ऐसे वीडियो बनाने के लिए या तो कैपकट या लाइट मोशन यूज़ करके बनाना पड़ता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ काइनमास्टर को यूज़ करके किस तरीके से ऐसे 4K HDR सीखे से वीडियो बना सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, मैं सबसे पहले काइनमास्टर को ओपन कर लेता हूँ। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद सबसे पहले अपने वीडियो का रेशियो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर प्लस के आइकन पर टच करके आप किस रेशियो के हिसाब से वीडियो बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से रेशियो को सिलेक्ट कर लेना। तो मैं 9:16 वाला ये वाला रेशियो, मतलब टिकटॉक का साइज, ये वाला रेशियो मैं सिलेक्ट कर लिया है। करने के बाद मैं एक वीडियो को एडिट करके आपको दिखाने वाला हूँ, उस वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो को मैं आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ, आप अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो को मैं एडिट करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, आप देख सकते हो इस वीडियो को मैं अब सिलेक्ट कर लिया है। करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर लेयर पर टच कर देना है। करने के बाद यहाँ पर कुछ इफेक्ट आपको चाहिए, कौन सा चाहिए मैं आपको वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा। तो इफेक्ट पर मैं टच कर देता हूँ। करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, नियोन का एक इफेक्ट है, ये डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल का डाटा ऑन कर लेना कुछ इस तरीके से। करने के बाद ना इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो स्टोर, यहाँ पर आपको टच कर देना है। करने के बाद ना इफेक्ट पर टच कर दो। करने के बाद कुछ इस तरीके से नीचे आ जाओ या अपने ऊपर सर्च कर सकते हो। तो ये वाला नियोन इफेक्ट्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इफेक्ट्स पर आ जाता हूँ और नियोन इफेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं फुल कर देता हूँ और उसको एंड तक लेके आ जाता हूँ इस इफेक्ट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इफेक्ट ऐड कर दिया है। अब क्या करना है, इफेक्ट के ऊपर टच करो। करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेटिंग। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। देखो हर वीडियो का सेम नहीं होता है, आप अपनी वीडियो को जब एडिट करोगे आप अपनी वीडियो के हिसाब से कर लेना है। देखो मैं ये एडजस्ट कर लिया है। करने के बाद आप अपनी वीडियो को जब एडिट करोगे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब क्या करना है, फिर से लेयर पर टच करो, इफेक्ट्स पर टच करो और एकदम नीचे आ जाओ। ये आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, काइनमास्टर के साथ ही मिल जाता है। ग्लोशियन ब्लर को आप ऐड कर देना है। करने के बाद उसको भी कुछ इस तरीके से फुल कर देना है और इसका ब्लर का साइज आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग पर आ जाओ और ये 3 कर देना है। ठीक है, 2 या 3 कर सकते हो अपनी वीडियो के हिसाब से, 3 कर देना बेटर होगा। तो एंड तक इस इफेक्ट को मैं इस तरीके से लेके आ जाता हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला वाला स्टेप ख़त्म हो गया है। अब क्या करना है, उसको एक्सपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। दैट्स इट, हमारा वीडियो सेव हो गया है। आप फिर से क्या करना है, इस तरीके से बैक आ जाओ। आने के बाद दोनों इफेक्ट को डिलीट कर दो कुछ इस तरीके से। डिलीट करने के बाद फिर से यहाँ पर लेयर पर टच करो, मीडिया पर टच करो, जो वीडियो सेव किया था उसको सिलेक्ट कर दो। करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर टच करके फुल कर देना है। ठीक है, अब नीचे वाले लेयर की वीडियो पर टच करो। करने के बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग, यहाँ पर आपको टच करना है। ओबारेल पर टच करो। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से आ गया है और यहाँ पर अपने हिसाब से आप कुछ इस तरीके से मिला लेना है। देखो ओवरऑल का साइज़ मैं रख रहा हूँ 40, आप अपनी वीडियो के हिसाब से रख सकते हो। आप फिर से यहाँ पर लेयर पर टच करो, इफेक्ट्स पर टच करो। करने के बाद और एक आपको इफेक्ट चाहिए शार्पर करके, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लेना है। किस तरीके से डाउनलोड करना है मैं पहले ही बता दिया है। शार्पर टाइप कर देना है या इस इफेक्ट को देख लो अच्छे से, इसको आप ऐड कर लेना है। आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से फुल कर देना है। करने के बाद इसको भी इस तरीके से एंड में लेके जाओ और सेटिंग पर आ जाओ। देखो ये जो एडजस्टमेंट है अपनी वीडियो के हिसाब से मिला लेना है, क्योंकि मेरे वीडियो देख कर आप मिलाओगे तो हो सकता है आपका वीडियो ज़्यादा डार्क हो या ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाएगा, तो अपने हिसाब से मिला लेना है। ठीक है, फिर से और एक इफेक्ट्स को आपको लेना होगा। लेयर पर आ जाओ और यहाँ पर इफेक्ट्स पर मैं टच कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर एक इफेक्ट्स आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा। यहाँ पर ये देख सकते हो बीबिल करके, तो उसको भी डाउनलोड कर लेना है। स्टोर पर जाके बीबिल टाइप कर देना है या इस इफेक्ट को आप देख लो। ठीक है, तो उसको मैं ऐड कर देता हूँ। करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, उसको मैं फुल कर देता हूँ। सेटिंग पर आ जाता हूँ। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर लेयर पर टच करो। करने के बाद मीडिया पर टच कर दो। करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड पर टच करो, कोई भी एक कलर को सिलेक्ट कर लो। करने के बाद यहाँ पर कलर पर टच कर दो और यहाँ पर इस तरीके से पिंक कलर को सिलेक्ट करके इस तरीके से, मतलब एक के फ़ोटो लेना होगा। तो राइट पर टच करो। करने के बाद इस तरीके से उसको फुल कर दो। ठीक है, आप उस कलर के ऊपर टच करो, यहाँ पर ब्लेंडिंग पर आ जाओ। आने के बाद यहाँ पर आप ओवरऑल कर देना है और उसका साइज़ कर देना है 20। ठीक है,
ओके, इस फिल्टर को लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ गया है, बहुत ज़्यादा मतलब रेड हो गया है। अब क्या करना है, मेन वाले वीडियो पर टच करो, करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको एडजस्टमेंट करके, तो यहाँ पर टच कर देना है, ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देना है। देखो इस वीडियो का ब्राइटनेस मैं थोड़ा 15 माइनस कर रहा हूँ और ये भी थोड़ा 2 माइनस कर रहा हूँ, और कुछ छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। नीचे आ जाओ, आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा लाइट का, ठीक है। तो अब लाइट कमाना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो तो अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से रख सकते हो। मैं 20 माइनस करने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा रेड हो गया था। अब देख सकते हो हमारा काम ख़त्म हो गया है। अब क्या करना है, ये इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो मतलब ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया है, उसके लिए लेयर पर टच करके, मीडिया पर टच करके मैं एक शेडो ले लिया है। इस शेडो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सीधा जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसको क्या करना है, कुछ इस तरीके से रख देना है, और वीडियो कितना ज़्यादा तगड़ा हो गया है आप देख सकते हो। अब क्या करना है, यहाँ पर इस शेडो को थोड़ा कम करना है। यहाँ पर आप ब्लेंडिंग पर जाके भी कर सकते हो, ओवरऑल कर सकते हो, स्क्रीन कर सकते हो, आप देख लेना है अपने वीडियो किस हिसाब से मैच हो रहा है, ठीक है। तो मैं हार्ड करने वाला हूँ और कुछ इस तरीके से 85 रख देता हूँ, और उसको भी कुछ इस तरीके से एंड पर मैं लेके आ जाता हूँ। अब देख सकते हो हमारा वीडियो रेडी हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोर्टर पर टच करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेव कर लो। तो कुछ इस तरीके से काइन मास्टर से भाई आप HDRCC या 4K वीडियो बना सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। आप कैपकार्ट से या लाइट मौसम से ऐसे ट्यूटोरियल चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता देना, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसे एडिटिंग रिलेटेड वीडियो आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।